व्रत को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाइए और नई नई रेसिपीज खाइए, नए नए स्वाद लीजिए। और आज ये देखिए कितना चटपटा सा कुरकुरा सा नाश्ता है जो कि आप बना सकते हैं व्रत के लिए अपने, और बस 10 मिनट में। पहले से ना भिगोना है ना पहले से कोई इंतजाम ज़्यादा करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं उबले हुए आलू जो कि 3 हमने लिए हैं, तो आप चाहें तो इसे कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इनको सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे। इस तरह से ग्रेट करने से क्या होगा कि ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगे और कोई गुलथियाँ इसमें नहीं रह जाएंगी। तो आपको यदि ज़्यादा बनाना है तो आलू आप ज़्यादा ले लें, और कम बनाना है तो आलू कम। तो यहाँ पे हमने 3 आलूओं से, देखिए मीडियम साइज़ के 3 आलू थे और उनको हमने ग्रेट कर लिया है। और जो गुलथियाँ छोटी छोटी रह जाएँ उनको दोबारा आप उस पर घिस देंगे ना, जो चिप्स वाला कटर होता है कद्दूकस वाला, उस पर आराम से निकल जाएगा ये। तो सारे आलू ग्रेट हो गए हैं, और आप चाहें तो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं, बस गुलथियाँ इसमें ना रह जाएं। तो इस आलू के भरते में हम डालेंगे सबसे पहले कुछ मसाले। तो व्रत के लिए हम बना रहे हैं इसलिए व्रत वाले ही मसाले डालेंगे। तो बारीक कटी हुई इसमें हरी मिर्च हमने डाली है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। आपके पास पुदीने का पत्ता हो तो आप वो डाल सकते हैं, धनिया पत्ता तो हर वक्त मिल जाता है। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, और ये है जीरा। ये सारी चीज़ें व्रत में लगभग खाई जाती हैं, और जो आप ना खाते हो उसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो पहले इन सब चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लिया है साबूदाना जो कि आधी कटोरी लगभग है, आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसको हमने ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल पाउडर की तरह। तो देखिए ये दरदरा सा हल्का पाउडर है, बहुत बारीक नहीं है, और इस पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे। और इसको डालने से इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो अभी हमने इसको थोड़ा डाला है, और इसको पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को चाहे जैसे खाएं, बिना व्रत वाले भी लोग खा सकते हैं। और देखिए इसमें हमने थोड़ा सा पाउडर और डाल दिया है, और इसमें डालेंगे ये है भुनी हुई मूंगफली का पाउडर जो कि हमने बना के एक्स्ट्रा रख लिया है। तो इसमें हम 2 चम्मच भर के भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डालेंगे, और ये है फलाहारी वाला नमक। और इन सबको हम फिर से एक बार अच्छे से पूरा बाइंड करेंगे। अब देखिए इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो गई है, ना ये गीला है ना ये सूखा है। देखिए इसको आप हाथ से दबा के देखेंगे, ये टूट नहीं रहा है, बिल्कुल आराम से बंध रहा है। तो इनके छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बनाएंगे गोल गोल, और इनको हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये गोल टिक्की की तरह हो जाएंगे। अब देखिए व्रत में पहले क्या होता था कि साबूदाना भिगो या तो फिर उसकी अधिकतर खिचड़ी बनती है, या फिर साबूदाना मीठा बनता है, या फिर आलू भून लिए। लेकिन अब तो नई नई रेसिपियाँ बन रही हैं, और आप भी इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लगने वाला है, और व्रत क्या बगैर व्रत वालों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो इस तरह से प्रेस करके देखिए हमने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, और इनको हम सबसे पहले तलेंगे। तो तलने के लिए क्या करेंगे कि आप घी में खाते हो तो घी में बनाइए, और यदि आप कोई तेल यूज़ करते हो तो आप उसमें बना सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी डाला है फ्राई पैन में, और इसमें हम थोड़ी थोड़ी अपनी टिक्कियाँ डाल देंगे। जितनी आराम से आ जाएं बस उतनी ही डालिए, जिससे आपस में चिपके भी नहीं और पलटने में भी आसानी रहेगी। और तेल अभी हम इसको छुएंगे नहीं, हल्का हल्का तेल इसका ऊपर कर देंगे, मतलब घी ऊपर कर देंगे, जिससे आराम से पक जाए। और जब एक तरफ से पकने लगे तो इनको हम धीरे धीरे करके पलट देंगे। बहुत ही आसान तरीके से पलट भी जाएंगी, देखिए और कितनी बढ़िया कुरकुरी टिक्की बन गई है।
अब देखिए कितनी आसानी से ये बन गया है, बहुत ही आसान है। आप चाय के साथ फटाफट इसको बना सकते हैं बस 10 मिनट में। यदि बॉयल आलू आपके पास रखा है तो बनाने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको। और ये हम क्रिस्पी टिक्कियाँ प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से आप सारी टिक्कियों को एक एक करके तल सकते हैं। यदि आप सबके लिए बना रहे हैं व्रत और बगैर व्रत वाले, तो आप थोड़ी टिक्कियाँ घी में तल लीजिए और थोड़ी टिक्कियाँ तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। अब देखिए सारी टिक्कियाँ लगभग बन गई हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं ऊपर से और चटपटी भी बहुत हैं। आप चटनी इसके साथ बनाएं या ना बनाएं, फिर भी आपको ये बहुत अच्छी लगने वाली है। तो आप एक बार इस तरह से टिक्कियाँ बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप बनाते हैं और आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए टिक्कियाँ अंदर से हमने तोड़ के दिखाई, ऊपर से कितनी क्रिस्प हैं और अंदर तक देखिए कितना दिखने में इतनी अच्छी लग रही हैं, तो खाने में कितनी अच्छी होंगी। थैंक यू फॉर